देखते रहिए यूबीएन जीरो एट ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की खबर आ रही है। आज श्री कृष्ण सेवा संगठन के सदस्यों के द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर पर निराश्रित महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को स्वेटर, मोजे एवं कपड़ों का वितरण किया गया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, इस घटना का विरोध किया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। छतरपुर से ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट आ रही है। जिले में वीरांगना झलकारी बाई का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दव हुई है, लेकिन उन्होंने उनको साथ नहीं छोड़ो, साथ निभाओ, जब तक बेलड़ी तब तक बेलड़ी। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हमारे आपके बीच में उनकी जयंती है, और ये जयंती के अवसर पर इतने स्टेज पे अपने छतरपुर में चर्चित आदरणीय बंटी भैया, नवनीत जैन जी, ओम प्रकाश कोरी जी, मनोज भाई, ब्रजेश भाई और इतने पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सभी अब माताएं बहने, हम उन्हें जब भी कोनो महापुरुष की जयंती मनात तो अपने जीवन में उनको मनावे को एक कारण भी है कि हम उसे अपने जीवन में सीखें अपने बाल बच्चे। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। तराना से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। समस्त भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वरिष्ठ नेता श्री जोशी को पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। राधोगढ़ से माखन सैनी की खबर आ रही है। गेल इंडिया लिमिटेड विजयपुर CSR के सहयोग से संचालित संकल्प समाज सेवा संस्था खुशी क्लिनिक द्वारा 1 दिसंबर एड्स दिवस के कार्यक्रम का आयोजन टैंकर पार्किंग एरिया विजयपुर में किया गया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना सहयोग नहीं कर पा रहा, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एसेट है, वो पूंजी है हमारे राष्ट्र की। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण में सहायक हो सकता है, किसी भी कार्यक्रम को आगे संचालित कर सकता है। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, यहाँ से जाते हैं, बहुत बहुत ही जरूरी विषय है जो इन लोगों को जानना चाहिए। ये लोग यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी जगह बहुत दूरी दूरी तक लेकर के अपनी गाड़ी को जाते हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ है, सही कहा इन्होंने जो नाटक मंच के कलाकार थे, कि जिस तरीके से व्यक्ति को शरीर संचालन के लिए खाने पीने, भूख और प्यास सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही मानसिक संतुष्टि के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी ज़रूरत होती है। ये कोई संकोच की बात नहीं है, ये दुनिया में सबको पता है। और जो व्यक्ति पैदा हुआ है और जब तक वो मरता है, जीवन में इन सारी बातों का अनुभव हर किसी को, स्त्री या पुरुष को, हो जाता है।